तीन बातें जो बताती हैं कि आपका रिश्ता आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ में ठीक नहीं चल रहा है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्य तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल तो ऐसा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा बैकवर्ड माना जाता है कि अरे बॉयफ्रेंड नहीं, अरे गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब इस तरह से लोग चिढ़ाते हैं या आश्चर्य जताते हैं तो ऐसा कैसा हो सकता है। तो ऐसे रिश्ते चालू है तो अभी ये भी हो गया, फास्ट ट्रैक में लोग जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक में मतलब ऐसा है कि आज एक बॉयफ्रेंड है तो कल दूसरा बॉयफ्रेंड, पता नहीं, या गर्लफ्रेंड का भी वैसे ही कि आज एक गर्लफ्रेंड है कल दूसरी और एक गर्ल, तो मतलब ऐसे भी होता है कि फास्ट चेंजिंग होते रहता है। अब आप यदि डीप रिलेशनशिप में है और उसमें कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है तो वो कैसे जानना जरूरी है। आप यदि रिलेशनशिप में है, किसके साथ में इंटीमेट रिलेशनशिप है, मगर ऐसे कौन से इशारे हैं कि जो बताते हैं कि आपका रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो रहा है या आप दूर जा रहे हैं, तो वो मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। नंबर 1, आप अभी भूलना चालू कर देते हो अपने पार्टनर के बारे में। जैसा समझो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उसका बर्थडे है, उसको विश करना है, या उसने उसके बारे में कुछ जानना है, या उसको उसको कॉल करना है, या एखादा डेट जो है वो डेट मिस हो गई अपनी, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ वो मिस कर देते हैं। अरे याद ही रहा नहीं, अरे भूल गए, मतलब ऐसा भुलक्कड़पना हो जाता है, कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। मतलब वो अभी आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। जब आप भूल जाना चालू करते इसका मतलब वो प्रायोरिटी में भी है नहीं, वो थोड़ा सा पीछे जा चुका है। तो फिर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अरे आजकल क्या हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, जब भूलना चालू किया तो। और फिर आपको देखना है कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड यदि ये भूल रही है, समझो मेरा बर्थडे है और मेरी गर्लफ्रेंड मेरा बर्थडे भूल रही है, वो विश नहीं किया उसने, दोपहर तक शाम तक रहा देखा, आपको कॉल करना पड़ा दोपहर को रात को कि भाई मेरा बर्थडे है, और बाद में बोलती अरे मैं तो भूल गई हूँ, या उल्टा भी है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ बीच में आ रहा है और अभी प्रायोरिटी में आप नहीं है। नंबर 2, आपका पार्टनर जो है वो इनिशिएटिव लेना बंद कर देता है। इनिशिएटिव लेना मतलब कोई चीज़ खुद होके नहीं बोले, मतलब कल कब मिलने का ऐसा खुद होके नहीं पूछ रहा है, या टेक्स्ट मैसेज है तो खुद होके टेक्स्ट मैसेज नहीं भेज रहा, आपने भेजा तो फिर उसने जवाब दिया, आपने व्हाट्सएप किया तो उसने जवाब दिया, या आपने कॉल किया तो उसने ले लिया, मगर खुद होके कॉल नहीं कर रहा है, तो फिर वो एक साइन हो सकती है कि कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। खुद होके साइन करता नहीं है, खुद होके कुछ बोलता नहीं है, कुछ सिग्नल्स नहीं दे रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। नंबर 3, फिजिकल रिलेशनशिप में मतलब फिजिकल इंटीमेसी जहाँ जहाँ हो सकती है वो टालना चालू कर देता है। जैसा कहीं आप डेटिंग को जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, या कोई वो होस्ट कर रहा है डिनर, या मूवी देखने जा रहे हैं, या कोई पार्क में घूमने जा रहे हैं, या जो भी गई है, तो मीटिंग जो है फ्रीक्वेंट मीटिंग्स तो वो थोड़ी कम हो जाती है, वो टालना चालू करता है, या टाइम नहीं ऐसा बोलता है। तो बोलना चालना तो ठीक चल रहा है समझो, मगर मीटिंग अभी कम हो गई है, मिलना कम हो गया है, फिजिकली पास में आते नहीं हैं, तो फिर वो भी एक साइन हो सकती है। तो पहला ये नंबर 1 कि अपोजिट पार्टनर के बारे में भूलना चालू किया है। नंबर 2, इनिशिएटिव लेना बंद कर दिया है, मतलब खुद होके कुछ नहीं करेगा, आया तो जवाब देगा। नंबर 3, पर्सनल मीटिंग्स जो है वो पर्सनल मीटिंग्स के लिए थोड़ी टालमटाल होती है, या टाइम नहीं है, ऐसा कुछ तभी कारण बताया जाता है, या वो इनफ्रीक्वेंट हो गई है। तो ये बातें होती, समझ जाना कि आपके रिश्तों में कुछ तो भी बीच में आ रहा है, और वो एक इशारा है, वो येलो अलर्ट है कि अपना जो पार्टनर है वो और तो कहीं नहीं जा रहा है, वो आपको देखना होगा। वो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।